नमो वाकम प्रशास्महे। नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध टॉपिक संधि विचार, जो कि सभी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछा ही पूछा जाता है। सबसे पहले हम संधि शब्द पर विचार करेंगे। संधि शब्द में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है, इससे मिलके बना है सर संधि शब्द, ठीक, जिसका अर्थ होता है संधानम। संधानम इति संधि मतलब मेल, अगर भाषा में हम कहें तो। संधि मतलब होता है मेल, किन का मेल? वर्णों का मेल। अब उस मेल के जो नियम हैं वह पाणिनि डिसाइड करते हैं। पाणिनि के अनुसार सारे नियम वही बताएंगे, किन वर्णों को किस स्थिति में कब मिलाना है। सबसे पहले हम संधि के प्रकार पर दृष्टि डालेंगे, तो सामान्यतया संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। संधि के प्रकार तीन कौन कौन से? सबसे पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इससे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, संधि कहते किसे हैं। तो दो वर्णों के मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि मतलब होता है मिलान। संधि मतलब क्या होता है? मिलान अथवा जोड़ अथवा मेल, कुछ भी कहिए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, ठीक, विकार अथवा परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। देखिए ये परिभाषा हो गई आपकी, दो यहाँ पर दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा जो परिवर्तन आता है हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर समझें तो देखिए यहाँ पर है इति, धन, आदि। अब यहाँ पर देखिए तामि क्या है? तामि ई है, इसको हम अलग निकाल लेते हैं, और यहाँ पर आदि का आ है। अब जब हम ता का ई निकाल लिए तो ता हल हो गया। जैसे तथा अनुसार, तथा तथा था में क्या है? बड़ा आ है, ठीक। उसी तरह से इति ता में ई है, इसको अगर निकाल लेंगे तो ता हल हो जाएगा। अब ये जो दो वर्ण हैं इनके मिलने पर, दो वर्णों के मेल से, मान लीजिए ये यण संधि का उदाहरण है, ई के स्थान में यह हो जाएगा, ठीक है, इसके स्थान में हो जा रहा है। ई के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो ई के स्थान में यह हो जाएगा, तो इसके स्थान में यह हो गया, यह हल रहेगा। अब बन क्या जा रहा है? इत्यादि, जो बड़ा आ है वो या से मिल जा रहा है, इत्यादि बन गया। तो देखिए दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा जो परिवर्तन आता है, इन दो वर्णों के बाद जो परिवर्तन आया है, पहले इति धन आदि था, परिवर्तन क्या आया है? इत्यादि बन गया, यहाँ पर यह आ गया, हम इसी को संधि कहते हैं, जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। ये परिभाषा हो गई, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा जो परिवर्तन आता है हम उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। तो आज हम स्वर संधि पर दृष्टि डालेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए एक होता है पूर्व और एक होता है पर, ठीक है। पूर्व होता है पहले
और पर होता है बाद में। तो जहाँ पर पूर्व में भी स्वर रहे और पर में भी स्वर रहे वहाँ पर होगी स्वर संधि। जहाँ पर दोनों तरफ पहले और बाद में दोनों तरफ जहाँ पर स्वर वर्ण रहे वहाँ पर होगी आप स्वर संधि। ठीक, तो स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। परस्पर दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा इसकी परिभाषा हो जाएगी परस्पर दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा हम उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत बहुत सारी संधियाँ आती हैं, मुख्य रूप से देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे सबसे पहले दीर्घ संधि आता है, यण संधि आता है, ठीक, गुण संधि आता है, वृद्धि संधि, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव इत्यादि यह संधियाँ आती हैं मुख्य रूप से स्वर संधि के अंतर्गत। तो आज हम सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मित्रों आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है दीर्घ, हमने पढ़ा था इसके पहले कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ दो मात्रिक होता है और प्लुत त्रिमात्रिक होता है। एक मात्रा भवेद ह्रस्व, द्विमात्रम दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतोगे, यह व्यंजनम चार्धमात्रकम करके आया है। तो एक मात्रिक जो स्वर होगा वह ह्रस्व स्वर कहलाएगा, जैसे आ हो गया, द्विमात्रिक दीर्घ कहलाता है, बड़ा आ हो गया, और त्रिमात्रिक उससे भी बड़ा आ हो गया, इस तरह लिखा जाता है उसे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है दीर्घ संधि, है ना। इसमें जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है इसका नियम क्या है, पाणिनि का जो नियम है वो है उसका नाम अकह सवर्णे दीर्घा, इसको याद रखना है। दीर्घ संधि विधायक सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घा, क्योंकि इस नियम में दीर्घ शब्द आ जा रहा है इसलिए याद रखना ज़्यादा कठिन नहीं है। दीर्घ संधि का नियम क्या है, तो कहा अकह सवर्णे दीर्घा। अब हम पहले इन तीन चीज़ों को समझेंगे। अक मतलब क्या होता है, तो हमने सर प्रत्याहार पढ़ा था, 14 सूत्र पढ़े थे, अयुण के आ से ऋलृक् के का तक जो प्रत्याहार बनेगा वह अक प्रत्याहार, उसके अंतर्गत पाँच वर्ण आ जाएंगे। जैसे हमने माहेश्वर सूत्र लिखे थे ना, अयुण ऋलृक् ऋलृक्, तो अयुण के आ से ये यहाँ से ऋलृक् के का तक जो प्रत्याहार बनेगा वो है अक प्रत्याहार। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए, हमने ये भी देखा था कि जो सूत्र हैं उनके अंतिम वर्ण को प्रत्याहार में काउंट नहीं करना है तो इसको हम काट देते हैं। तो आ ई ऊ री और ल्री, ये अक मतलब पांच वर्ण, कौन कौन से, आ ई ऊ री और ल्री। अक मतलब होता है आ ई ऊ री ल्री, अक प्रत्याहार, अयुण के आ से ऋलृक् के का तक के जो वर्ण हैं पांच वह अक प्रत्याहार के अंतर्गत। और सवर्णी, सवर्णी का मतलब होता है समान वर्ण, सवर्णी का मतलब क्या होता है, समान वर्ण यदि होगा तो आ ई ऊ री ल्री के बाद यदि समान वर्ण होगा तो, अब समान किसे कहते हैं, आ का समान क्या होगा, आ ही होगा, ई का समान वर्ण क्या होगा, ई ही होगा, ऊ का समान सवर्ण वर्ण क्या होगा, ऊ ही होगा, आ का ई तो हो नहीं सकता है क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, जिसका एक उच्चारण स्थान होता है उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो अक मतलब आ ई ऊ री ल्री, इन वर्णों के बाद यदि कोई सामने, इनके सामने कोई समान वर्ण आता है, समान वर्ण का मतलब है आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री और ल्री के बाद ल्री, यदि ऐसा है तो क्या होता है, दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब क्या है, दीर्घ मतलब वही बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ा री। ठीक, ली का उदाहरण बहुत नहीं आपको देखने को मिलेगा तो इसे अभी छोड़े रहिए, ये वर्ण, ठीक है, ये क्लियर है। अकह सवर्णे दीर्घ
दीर्घ संधि का नियम है। अक मतलब होता है आ ई ऊ री लृ। यदि इन पांच वर्णों के बाद कोई समान वर्ण सामने आता है तो उन दोनों के स्थान में क्या होता है, दीर्घ होता है, दीर्घ वर्ण होता है। आ के बाद यदि आ आता है तो उन दोनों के स्थान में बड़ा आ हो जाएगा। ठीक, अब इसमें यह है कि यदि इनसे हमें छोटा आ हो अथवा बड़ा आ हो, जैसे कंडीशन लिख लेते हैं, चार कंडीशन बना करती हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं आ के बाद अगर आ आए तो बड़ा आ, यदि बड़ा आ के बाद छोटा आ आए तब भी दोनों के स्थान में दीर्घ ही होगा, अथवा छोटे आ के बाद बड़ा आ आए तब भी दोनों के स्थान में दीर्घ होगा, और बड़ा आ के बाद बड़ा आ आए तब भी दोनों के स्थान में दीर्घ ही होगा। अभी उदाहरण जब देखेंगे, ये चार कंडीशन अप्लाई होंगे, एक दो तीन चार। ठीक, उसी तरह से ई के उसमें भी छोटा ई बड़ा ई, बड़ा ई प्लस छोटा ई बराबर बड़ा ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई, और बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर भी बड़ा ई हो जाएगा। ठीक, तो उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है मतानुसार, मतानुसार मत के अनुसार, यहाँ लिख लेते हैं मत धन अनुसार। देखिए अर्थ हमने समझा, अक के बाद यदि कोई समान वर्ण उसके सामने आए, अक मतलब होता है, यहाँ लिखे देता हूँ मैं पुस्तक में, आ ई ऊ री और लृ। ठीक, इन वर्णों के बाद आ ई ऊ री लृ, इन वर्णों के बाद यदि कोई समान वर्ण इसके सामने आए, इनके सामने अगर कोई समान वर्ण आता है तो क्या होता है, जैसे आ के बाद आ आया है ना, बड़ा आ के बाद बड़ा छोटा आया, अथवा ई के बाद ई आया, ऊ के बाद ऊ आया, तो क्या होता है, दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब इन दोनों का दीर्घ बड़ा ऊ, इन दोनों का दीर्घ बड़ी ई, इस तरह से। ठीक, यहाँ पर देखिए मत धन अनुसार, ठीक है, नियम कौन सा लग जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घ। क्या कहता है नियम, कहता है कि अक के बाद यदि कोई समान वर्ण सामने है तो अक प्रत्याहार आ ई ऊ री लृ पांच वर्ण आते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, अलग अलग कर लीजिए, जैसे ता का आप आ निकाल लेंगे, ता में क्या है आ है, जिस तरह से तथा था में क्या है बड़ा आ है, मति मति ता में क्या है बड़ी ई है ना, हरी रा में क्या है छोटी ई है, भानु ना में छोटा ऊ है, उसी तरह से मत ता में क्या है, ता में छोटा आ है, यदि उसे हम बाहर निकाल लेंगे तो ता हल हो जाएगा। ठीक, प्लस अनुसार, देखिए यहाँ पर ये भी चार स्टेप में आप करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, तीन और चार, चार में कंप्लीट हो जाएगा मतानुसार। देखिए मतधन अनुसार हमने सूत्र लगाया अकह सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र लगा, ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि आ ई ऊ री और लृ, इन पांच वर्णों के बाद यदि कोई इन्हीं के समान वर्ण सामने आता है, मतलब आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, तो उन दोनों के स्थान में उसी का दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो गया, आ के बाद आ आया, यहाँ पर मिल गया, कौन सा कंडीशन है यहाँ पर, आ के बाद आ, फर्स्ट नंबर का आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ और ये आ, इन दोनों को मिला के हो गया बड़ा आ। तीसरे नंबर पे क्या बना, मतता हल है यहाँ पर नुसार। ठीक, क्योंकि दोनों के स्थान में इसने कहा है आयु रिलृ के बाद यदि कोई समान वर्ण सामने आए तो दोनों के स्थान में उसी का दीर्घ वर्ण हो जाएगा, इन दोनों के स्थान में हो गया तो ये दोनों कट गए, क्योंकि इन दोनों के स्थान में हुआ है। ठीक, इन दोनों के स्थान में हुआ है बड़ा आ, तो ये दोनों कट गए, इनको हटा देना है यहाँ से, अब इनको नीचे नहीं लेके आना है, क्योंकि इन दोनों के स्थान में तो ये बड़े भैया आ गए हैं। ठीक, तो मत अनुसार अब जब हम मिला देंगे तो अच हीनम परिण संयोज्यम करके नियम ही है, अच से हीन जो वर्ण होते हैं उसके बाद यदि कोई अच सामने आता है, अच मतलब स्वर, स्वर वर्ण सामने आता है तो वो व्यंजन में मिल जाया करता है, तो ये जो आ है वो इस व्यंजन में मिल जाएगा, बड़ा आ है, तो ये बन जाएगा मता, ये आ इसमें मिल गया, और अनुसार आप इधर ले आइए, अनुसार मतानुसार दीर्घ संधि
सिद्ध हो चुका है मतानुसार। ठीक, एक बार और समझिए, मतधन अनुसार हमने इसका संधि किया, अलग अलग किया, विच्छेद किया, उसके बाद हमने सूत्र लगाया अकः सवर्णे दीर्घः। ये कहता है आ के बाद यदि आ आता है, ई के बाद यदि ई आए, ऊ के बाद यदि ऊ आए, तो उन दोनों के स्थान में उसी का दीर्घ वर्ण हो जाया करता है। तो आ के बाद आ हमें मिल गया। जब हमने इसको लिखा आ आ, तो दोनों के स्थान में बड़ा आ हो गया, ताहल हो गया, उसके बाद आ तामे आ के मिल गया, मतानुसार बन गया। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण समझेंगे। जैसे देखिए, विद्याधन अर्थी, देखिए विद्याधन अर्थी। अब यहाँ पर वही अकः सवर्णे दीर्घः, यहाँ पर क्या है, विद्या द्या में क्या है, बड़ा आ है, निकाल दीजिए, अलग निकाल दीजिए उसे, तो क्या बना, द्याहल हो गया, यहाँ पर बड़ा आ निकल के आ गया, अर्थी यहाँ ले आइए। ठीक, ये दो। अब यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा है हमारा, बड़ा आ के बाद छोटा आ है, नियम नंबर दो। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, दीर्घ ही होना है किसी भी स्थिति में, चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटा आ हो या दोनों बड़ा आ हो। ठीक, बड़ा आ कर दीजिए, यहाँ पर क्या आया, विद्य द्याहल है और यहाँ पर थी। अच्छा, ये वाला आ कहाँ चला गया, तो इन दोनों के स्थान में आपने किया है, इन दोनों के स्थान में बड़ा आ किया है, ये दोनों कट गए, इनको नहीं नीचे लेके आना है, मिला दीजिए दोनों को, द्याहल है आ इससे आके मिल जाएगा, तो बन जाएगा विद्यार्थी। ठीक, देखिए तीसरा उदाहरण एक देखते हैं, अल्पायु, अल्पधन, अल्पधन आयु। देखिए यहाँ पर वही नियम लगा आपका, अक सवर्णे दीर्घः, अक के बाद सवर्ण स्वर सामने है, अक मतलब होता है आयु रिलरी, अ के बाद आ आ गया, पा में क्या है, आ है, हटा दीजिए उसे, अल्प पाहल हो जाएगा, आवाहन निकल जाएगा, है ना। ये मैं चार स्टेप में थोड़ा सा सरल करने के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप सीधा भी अगर बहुत अभ्यास अगर आपको हो गया तो आप देख के कि पा में आ है उसके बाद आ है, तो डायरेक्ट आप बराबर करके दोनों के स्थान में बड़ा हो गया, तो अल्पायु ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्पायु। ठीक, केवल ये समझने के लिए है, इस तरह से चार स्टेप में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आयु आप लिखें, अब देखिए छोटा आ के बाद बड़ा आ है, ये नियम नंबर तीन, तो इन दोनों के स्थान में हो जाएगा बड़ा आ, अल्प पाहल है, यहाँ पर बड़ा आ हो गया, और यहाँ पर यू, क्योंकि इस आ और इस आ के स्थान में आपने बड़ा आ कर दिया, नीचे ले आइए, मिला दीजिए सबको आपस में, तो हो जाएगा पा आ से मिल जाएगा, यहाँ पर चूँकि पाहल है बड़ा पा हो जाएगा, और या में छोटा ऊ अल्पायु। ठीक, इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं, बहुत सुप्रसिद्ध उदाहरण जो हर कहीं पूछा ही जाता है, विद्यालय, नाइन्थ टेंथ की पुस्तक में, छः सात आठ की पुस्तक में आपको दीर्घ संधि में मिल जाएगा, विद्या धन आलय। जानबूझकर बहुत सरल सरल उदाहरण यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्तर के लिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें यही सब पूछता है। विद्या धन आलय, यहाँ पर देखिए द्या बड़ा है, द्या में क्या है, बड़ा आ है, निकाल दीजिए उसे, द्या हल हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा आ निकल के आ गया, यहाँ पर आलय। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बड़ा आ के बाद बड़ा आ आपको मिल गया है, तो वही नियम, आ के बाद यदि सामने उसके समान स्वर मिल जाए, आ का समान आ ही, बस इतना ध्यान रखना है कि आ का समान ई नहीं हो सकता है किसी भी हालत में, भाई चूँकि उच्चारण स्थान ही अलग है, आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ई का होता है तालु, ऊ का होता है ओष्ठ, है ना। तो इस तरह से आ का समान सवर्णी अथवा समान वर्ण आ ही होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊ का समान ऊ ही होगा, तो यहाँ पर आ और आ दो हैं, दोनों को मिला के केवल एक बड़ा दीर्घ हो जाएगा इन दोनों को, विद्य लय मिला दीजिए चौथी स्टेप में, तो द्याहल है। ठीक, यहाँ पर स्वर नहीं है,
हल वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो वो हल वर्ण में मिल जाया करता है, सामान्य नियम है। तो विद्या और लय ऊपर से नीचे ले आइए, विद्यालय विद्यालय, ठीक, विद्या का घर। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखिए एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि दीर्घ संधि विधायक सूत्र कौन सा है, 4 सूत्र दे दिए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दीर्घ जुड़ा है, तो दीर्घ से अकह सवर्णे दीर्घ अपने आप ही माइंड में क्लिक कर जाएगा आपका। अक मतलब क्या होता है, अक प्रत्याहार है यहाँ पर, है ना। आ से लेकर ऋ ऋ का तक के वर्ण होते हैं इसमें, आ ई उ ऋ ल ऋ 5 वर्ण होते हैं। सवर्ण मतलब होता है समान वर्ण, इन दोनों के मिलने पर दीर्घ होता है। आ के बाद यदि आ आए, एक बार और देख लीजिए, ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ठीक। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक। री प्लस री बराबर बड़ी री, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका बड़ा आ भी हो सकता है, यहाँ पर बड़ा आ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना कि आ हो अथवा बड़ा आ हो, आ प्लस बड़ा आ भी हो सकता है और बड़ा आ प्लस बड़ा आ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आपको ये शॉर्ट है नियम का, है ना। अगर ये ध्यान नहीं रह रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा, आ के बाद यदि आ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा बन जाता है, ई के बाद यदि ई आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई बन जाती है। और इसकी परिभाषा अगर लिखना है तो अक के बाद यदि समान वर्ण सामने आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होता है। अक क्या है, तो अक है आ ई ऊ री ऋ, इन वर्णों के बाद यदि कोई समान वर्ण इनके बाद आता है, है ना, समान वर्ण हुआ तो आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री, यदि ऐसी स्थिति है तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ होता है, ठीक। दो मात्रा वाला हम पढ़े ही हैं, दीर्घ द्विमात्रिक होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।